यू स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने वुड वुड फीजर रूल को डिस्कस किया था जिसके ज़रिए हम थ्रेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं लेमडमेक्स को इस वेव नंबर को भी थ्रेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है हम इसकी एप्लीकेशनस को तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन वो फार्मूला जिसके ज़रिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रिकेंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है उसे हुक्स लॉ कहते हैं इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर कि वेव नंबर इज़ इज़िकल टू वन ओवर टू पाई सी एफ़ ओवर म्यू और इस म्यू को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं एम ए मल्टीप्लाई बाई एम बी डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी ए और बी बेसिकली टू डिफरेंट आइटम्स अगर इनके मैसेज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसका मतलब है मैस या म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी एम ए मल्टीप्लाई बाई एम बी की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे वेव नंबर कम हो जाएगा इससे हमें समझ में आ रहा है कि म्यू बार न्यू बार या वेव नंबर इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन टू मैस ऑफ द एटम नॉर्मली जो स्मॉलर एटम्स हैं वो हमारे स्पेक्ट्रम में लेफ्ट साइड पर यानी हायर वेव नंबर पर प्लॉट हो रहे होते हैं और जो हायर मैसेज हैं वो नॉर्मली राइट साइड पर प्लॉट होते हैं इससे दूसरा फंक्शन जिसके साथ से रिलेट कर रहे हैं वो एफ है एफ यानी फोर्स कॉन्सटेंट म्यू बार इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू एफ या फोर्स कॉन्सटेंट फोर्स कांस्टेंट से मुराद दो एटम्स आपस में कितना टाइटली बाउंड है अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको स्ट्रेच करना नस्बता आसान है अगर डबल बॉन्ड है तो ऐसे स्प्रिंग को भी स्ट्रेच करना नस्बता मुश्किल है और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों एटम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और उनको स्ट्रेच करना रिलेटिवली बहुत मुश्किल हो जाएगा वेव नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड्स लोअर वेव नंबर पर या राइट right साइड पर अपीयर होंगे और जो हायर फोर्स कांस्टेंट रखने वाले हैं या डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं वो रिलेटिवली लेफ्ट पोर्शन में अपीयर होंगे क्योंकि यू आई आर स्पेक्ट्रम हमने देखा था कि 4000 से 625 सेंटीमीटर इनवर्स यानी हायर वेव नंबर हमारा लेफ़्ट पर है और लो वेव नंबर राइट पर आ रहा है ये स्केच भी इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे सी एच एन एच ओ एच ये हायर वेव नंबर पर अपीयर होंगे क्योंकि वेव नंबर इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन टू मैसेज जबकि जितना हायर मैस बढ़ता जाएगा ड्यूटियम हाइड्रोजन के मुकाबले में निष्पतान लोअर वेव नंबर पर आ रहा है ऑक्सीजन और कम हो गया है और सबसे हैवी जैसे क्लोरीन तो ये 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर अपीयर हो रहा है इस तरह अगर फोर्स कांस्टेंट के साथ इसको हम रिलेट करें तो सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर सी डबल बॉन्ड ओ तकरीबन 17 15 सेंटीमीटर इनवर्स पर और सी ट्रिपल बॉन्ड एन या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में अगर ओ भी है तो वो टू थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स पर अपीयर होंगे इस स्केच से भी हमें नज़र आ रहा है कि लोअर मैसेस वो लेफ्ट साइड पर या हायर वेव नंबर पर आ रहे हैं जबकि हायर मैसेस वो राइट right साइड पर या लोअर वेव नंबर पर आ रहे हैं और फोर्स कांस्टेंट के साथ वेव नंबर डायरेक्ट रिलेशन में है इसलिए जैसे फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है तो वेव नंबर भी बढ़ जाता है ये एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं ये फार्मूले से कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं जो हमने सी एच स्ट्रैचिंग या सी सी एल स्ट्रैचिंग के लिए ऑब्जर्व की और इनकी मेजर वैल्यू जो बहुत नज़दीक निकल रही हैं थ्री डबल ज़ीरो टू थर्टी ट्वेंटी इसकी मेजर्ड वैल्यू है सेवन जीरो वन तो सेवन सेवेंटी थ्री मेजर वैल्यू है अगर हम हाइड्रोजन को ड्यूटियम के साथ रिप्लेस कर दें तो वही सी एच अपनी जगह चेंज कर लेगा और ना सिर्फ सी डी की वजह से चेंज आएगी बल्कि इस ड्यूटियम की वजह से बाकी मॉलिक्यूल भी शिफ्ट हो जाएगा और क्लोरीन जो बराह रास्त तो डी से अटैच इस तरह नहीं है लेकिन वो भी 773 की बजाय 737 पर एक लोअर वेव नंबर पर अपीयर हो रहा है तो ये शिफ्टिंग हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सी एच की पीक जब सी डी में कन्वर्ट होती है तो शिफ्ट हो जाती है और इस तरह ये दूसरी पीक भी यहाँ से शिफ्ट होकर सी एच की डीफॉर्मेशन वो भी चेंज होकर मुख्तफ जगह पर आ जाती है यानी ओवरऑल लोअर मैसेस अपीयर इन लेफ्ट मोस्ट रीजन थ्री 2500 से 3700 सेंटीमीटर इन्वर्स और हमारी जो लेस फोर्स मेजरमेंट है लेस फोर्स कांस्टेंट है वो 800 से 1300 जैसे सी ओ सी एन या सी सी बॉन्ड्स तो वो 800 से 1300 सेंटीमीटर इन्वर्स पर अपीयर होते हैं